चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आपको बता देते हैं, जहां पर गांदरबल में एक शख्स को पहले जेल भेजा गया और बाद में उसे रिहा कर दिया। और इस व्यक्ति पर आरोप सिर्फ इतना था कि उसने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के सलाहकार से कहा था कि उसे उन अधिकारियों से कोई भी उम्मीद नहीं है जो कि स्थानीय नहीं है। आपको बता दें, 50 साल के इस शख्स ने उपराज्यपाल के सलाहकार बशीर अहमद खान के साथ स्थानीय लोगों की बातचीत के दौरान ये टिप्पणी की थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक गांदरबल के डेप्यूटी कमिश्नर ने इस पर आपत्ति जताई थी। और ज्यादा जानकारी लेकर ईशान वानी इस समय फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। ईशान, सिर्फ इतनी सी बात कहने पर कि उस एक शख्स को गैर स्थानीय अधिकारियों पर भरोसा नहीं है, उसको जेल में डाल दिया जाता है, आखिर इस कार्रवाई के पीछे वजह क्या थी? किस तरह के धाराएं लगाए गए थे इससे पहले कि उसको जेल में डाला जाए? जी देखिए, जैसे ही ये मीटिंग शुरू हुई उसके बाद जब इनको बोलने का मौका दिया गया, वहाँ पे उपराज्यपाल के जो सचिव हैं वो भी मौजूद थे, और उसी वक्त जो ये आदमी है इसने ये बताया कि उनको जो बाहर के जो ऑफिसर हैं, जो डेप्यूटेशन पे जम्मू कश्मीर में है, उनसे कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि जो लोकल स्थानीय अफसर हैं उनके वो गला पकड़ के या उनका कॉलर पकड़ के भी उनसे जवाबदेही दी ले जा सकती है, और जो बाहर से आते हैं वो अपना डेप्यूटेशन पूरा करके जा सकते हैं। वहां पे जो गांदरबल में जो डिप्टी कमिश्नर है या कलेक्टर कहें जो है, उन्होंने इसका एक स्ट्रांग ऑब्जेक्शन लिया। हमें सूत्रों से ये पता चला है कि मीटिंग के दौरान ही उन्होंने इस पे ऑब्जेक्ट किया। वो जो है जम्मू कश्मीर में डेप्यूटेशन पे है, एक यूपी काडर की IAS ऑफिसर है और जम्मू कश्मीर में अभी गांदरबल जिले में तैनात है। उनके ऑब्जेक्शन के बाद उनको रात को थाने में बुलाया गया, जहां पर उन पर एक आरोप लगाया गया कि उनको जम्मू कश्मीर पुलिस ने प्रॉम्प्टिंग एनिमिटी जो है उन धाराओं के तहत उनको गिरफ्तार किया गया और उसके बाद उनको जेल भेजा गया। हालांकि कोर्ट ने उनकी रिहाई के आदेश फिलहाल इंटर्म बेल दे दी थी, बट उसके बाद भी ये काफी दिन थाने में रहे और धाराएं इन पर लगी हैं, क्योंकि सूत्रों के हवाले से उनको फिर कल शाम को जो है जेल से रिहा किया गया। बट छोटे से मसले पर सोशल मीडिया पर काफी चर्चा हुई, जिसकी वजह से इनको जो है कल रिहा किया गया। हमें ये बताया जा रहा है काफी प्रेशर सरकार पर बन चुका था जब ये खबर सोशल मीडिया और न्यूज रिपोर्ट्स में आई कि ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया गया जिसने खाली ये एक छोटा सा ऑब्जेक्शन रेज किया था, और जिसके बाद सरकार प्रेशर में आने के बाद इनको कल शाम को रिलीज कर दिया गया। हालांकि कोर्ट ने भी इनको फिलहाल एक बेल पे छोड़ा गया था, पर अब देखना ये होगा कि सरकार क्या वाकई इसके खिलाफ और कार्रवाई करती है या एक मशवरे के तहत इनको छोड़ देती है। जी ईशान वानी, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।